हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज के इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑटो डिस्क्रिप्टिव एप्लीकेशन का यूज करके कुछ इस तरह का फोटो का फेस को स्मूथ करना, फेस को वाइट करना एंड हेयर को एडिटिंग करना, सब कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वाला वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। ओके, एंड ऑटो डिस्क्रिप्टिव ऐप का मैं आप लोगों को बेस्ट टूल यानी कि बेस्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग ये वाला वीडियो को मिस कर दोगे तो मैं बहुत कुछ आप लोग खो दोगे। तो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, तभी आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला फोटो का फेस कितना ज़्यादा खराब है, ठीक है। एंड ये वाला फोटो को एडिटिंग करने वाला हूँ। सो सबसे पहले ये वाला फोटो को मैं शेयर करके ओपन कर लेता हूँ ऑटो स्क्रिप्टबुक ऐप के अंदर। ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं ऑटो स्क्रिप्टबुक ऐप के अंदर फोटो ओपन हो चुका है। सो इसी टाइप से आप लोग फोटो को ऑटो स्क्रिप्टबुक ऐप के अंदर ओपन कर लेना। ओके, सो सबसे पहले मैं इसका फेस को स्मूथ कर लूँगा, इसके लिए ये वाला टूल के अंदर क्लिक कर लूँगा। ओके, एंड थोड़ा सा नीचे को आके आप लोग कुछ इस तरह का टूल्स देखने को मिल जाएगा बहुत सारा। सो ये वाला टूल के अंदर से आप लोग को यहाँ पे ये वाला टूल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं ये बेस सेटिंग्स है। सो सिंपल ये वाला टूल को सिलेक्ट करने के बाद जाना आप लोग को सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे स्मार्ट टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, यानी कि आप लोग को ये वाला टूल के अंदर क्लिक करके ये वाला स्मार्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना, यानी कि ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों सामने कुछ इस तरह का सेटिंग आएगा जिसको आप लोग सेम सेम ही रखना है, ठीक है। दोनों को आप लोग 1:1% रखना है एंड साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से रख के कुछ इस तरह से फोटो को जूम करना है एंड फोटो का फेस के अंदर इस तरह से धीरे धीरे ब्रश करना है। ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं फोटो का फेस कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है एंड मैं कितना धीरे धीरे कर रहा हूँ। सो आप लोगों को भी इसी टाइप से थोड़ा सा टाइम देख लिया फेस को स्मूथ कर लेना। जैसे कि देख सकते हैं फेस स्मूथ करना भाई बहुत ज़्यादा परेशानी काम है एंड यहाँ पर देख सकते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं वीडियो को हल्का सा फास्ट कर लिया। ओके, सो अगर आप लोग फेस को स्मूथ नहीं करोगे तो भाई फोटो को बहुत ज़्यादा घटिया लगेगा। सो आप लोग फेस को स्मूथ कुछ इस तरीके से करना सीख जाइए फटाफट। ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं आप फोटो का फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। ओके, अब आता हूँ इसका हेयर को एडिटिंग कर लेना है। सो ऑटो स्क्रिप्टबुक ऐप के अंदर हेयर को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ये वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड जाना है आप लोग को लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा स्मार्ट वाला ब्रश ढूंढ लेना है। ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा आप लोग ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्मार्ट ब्रश देखने को मिलेगा, इसके अंदर से आप लोग को ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को जाना है सेटिंग पे एंड सेटिंग पे आने के बाद आप लोग को सेटिंग को सेम सेम ही रखना है। ओके, सिर्फ साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से कम ज़्यादा करके रख लेना है, यानी कि कम ज़्यादा करके आप लोग को हेयर के ऊपर ब्रश को चलाना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एंड हेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रश कर लेता हूँ। ओके, सो फिर भी से मैं यहाँ पर वीडियो को हल्का सा फास्ट कर लिया, जैसे कि देख सकते हैं एंड यहाँ पर देख सकते कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे हेयर एडिटिंग हो रहा है। ओके, सो इस टाइप से आप लोगों को हेयर को एडिटिंग कर लेना है। ओके, एंड जैसे कि देख सकते हैं मैं वीडियो का स्पीड को थोड़ा सा हाई कर लिया। ओके, एंड इसी टाइप से आप लोगों को हेयर को एडिटिंग कर लेना, बहुत ही आसान है हेयर एडिटिंग करना। जैसे कि देख सकते हैं इसका फेस भी स्मूथ हो चुका है एंड हेयर भी एडिटिंग हो चुका है। अब आता हूं इसका फेस को व्हाइट कर लेना एंड इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेना, वो भी प्रोफेशनल टाइप से। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाला फोटो को सेव कर लेना ऑटो एप्लीकेशन के अंदर से एंड ये वाला फोटो को आप लोगों को ओपन कर लेना लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो सबसे पहले ये वाला प्रीसेट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वाला प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना एंड लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना एंड जो फोटो आप लोग एडिटिंग किया यानी कि फेस स्मूथ किया वो वाला फोटो को ऐड कर लेना। सबसे पहले आप लोग को प्रीसेट को ओपन कर लेना है। ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं मैं ये वाला प्रीसेट को ओपन कर लिया। प्रीसेट को ओपन करने के बाद अब आप लोगों को सारा सेटिंग को कॉपी करने के लिए आप लोगों को 3 डॉट के आइकन के अंदर क्लिक करके ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगा पेज सेटिंग्स, इसके अंदर यानी कि आप लोग कॉपी सेटिंग मिलेगा, कॉपी सेटिंग्स के अंदर क्लिक कर राइट पे क्लिक कर लेने। ओके, एंड ये वाला फोटो को ओपन करने के बाद जो फोटो आप लोग फेस को स्मूथ किया वो फोटो को ओपन करने के बाद इसके अंदर आप लोग पेज सेटिंग्स करना है। ओके, सो आप लोग फिर से जाना है 3 डॉट के आइकन के अंदर एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा पेज सेटिंग्स, इसके अंदर क्लिक करके आप लोग को देख सकते हैं एक क्लिक के अंदर ही फोटो का फेस व्हाइट हो चुका है एंड देख सकते हैं फोटो के अंदर एक अलग से ग्लेज आ चुका है एंड फोटो का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है एक क्लिक के अंदर। अगर आप लोग और भी ज़्यादा व्हाइट करना चाहते हो तो मिस्टूल के अंदर जाके इसका ऑरेंज को आप लोगों को प्लस की तरफ रखना है, तभी इस टाइप से आप लोग फोटो का फेस व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कम भी करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, लुमिलियंस को आप लोग थोड़ा सा कम कर लेना है, जिसके देख सकते बिफोर आफ्टर कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है फोटो के अंदर। ओके, सो इसी टाइप से आप लोग फोटो का फेस को स्मूथ एंड व्हाइट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वीडियो को सेव। सो आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।